हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी, महाराष्ट्र, इंडिया। सो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो अलॉन्ग विथ द सेक्शन 15 एंड 16 वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑन दिस टू सेक्शंस एंड द क्वेश्चन विच मे बी आस्क बाय द एग्जामिनर ऑन दिस पर्टिकुलर टू सेक्शन। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा सेक्शन 15 और 16 इंडियन एविडेंस एक्ट का। पूरा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पूछ सकता है वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग यूर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेक्शन 15 एंड 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। सो सेक्शन 15 डील्स विद फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। कि जब कभी भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन है कि वेदर द एक्ट इज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है ये एक्ट प्रूव करने का अगर कोर्ट के सामने क्वेश्चन है तो कुछ फैक्ट जो सेक्शन 15 में है वो रिलीवेंट होंगे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, the fact that such act form part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant। तो जब कभी भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है और कोई पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया गया है या नहीं है, तो जितने भी फैक्ट है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ फैक्ट्स के जो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि यह एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल इस तरफ, तो ऑल फैक्ट्स बिकम रिलीवेंट अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो वी विल डिस्कस एन एग्जांपल। जॉन इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस फॉर इंश्योरेंस मनी। तो जॉन पे चार्जेस है कि उसने अपना खुद का घर जला दिया, काय के लिए? इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम करने के लिए। सो द फैक्ट दैट जॉन लिव्ड इन सेवरल हाउसेस सक्सेसिवली, ये जो तीन घर दिख रहे हैं जॉन ये तीनों घर में रहता था सक्सेसिवली, एंड क्या हुआ कि ईच ऑफ विच ही इंश्योर्ड, तीनों घर का उसने इंश्योरेंस किया, तीनों घर का इंश्योरेंस किया, और आफ्टर ईच ऑफ विच फायर जॉन रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफिसेस। तो जॉन पे चार्जेस ये है कि उसने अपने खुद का घर जलाया इंश्योरेंस अमाउंट लेने के लिए। अब ये फैक्ट के पहले तीन घर में जॉन रहता था, तीनों घर को जॉन ने इंश्योर किया और तीनों घर में आग लगी और जॉन ने पैसा क्लेम किया। तो ये जो है तीनों घर में आग लगी और जॉन ने पैसा क्लेम किया, ऑल फैक्ट्स बिकम रिलीवेंट, यहां पर पूरे फैक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर वॉज नॉट एक्सीडेंटल। तो ये फैक्ट पूरे प्रूफ होंगे, ये फैक्ट पूरे रिलीवेंट होंगे ये प्रूफ करने के लिए द फायर एक्सीडेंट वॉज नॉट एन एक्सीडेंटल वन, कि ये जो आग लगी ये एक्सीडेंटल नहीं है बल्कि इंटेंशनल है, ये प्रूफ करने के लिए सारे फैक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 15 में। अनदर एग्जांपल इज दैट डेविड इज अक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू जॉन अ काउंटरफिट रूपी। सो डेविड पे चार्जेस है कि उसने नकली करेंसी नकली पैसे जॉन को डिलीवर किया, ये उस पर फंसाने के लिए उसको ये चार्जेस थे। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द रूपी वॉज एक्सीडेंटल। कोर्ट के सामने क्वेश्चन है कि भाई ये इंटेंशनल है कि एक्सीडेंटल है, जो नकली नोट दिया नकली पैसे दिया जॉन को डेविड ने उसको फंसाने के वास्ते दिया था या वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ये कोर्ट को प्रूव करना था। So the fact that soon before or soon after the delivery to John, David delivered counterfeit rupees too, के John को नकली नोट देने के पहले exact उसके पहले David ने counterfeit rupees नकली पैसे पिंटू को भी दिया, टेलर को भी दिया और पीटर को भी दिया। So all these transaction becomes relevant as showing that the delivery to John was not accidental। के सिर्फ John को दिया होता तो कहीं ना कहीं
वो एक्सीडेंटल है ऐसा माना जा सकता था, लेकिन जॉन को देने के पहले उसने एक नकली नोट, नकली पैसे पिंटू को भी दिया, टेलर को भी दिया, पीटर को भी दिया। तो ये फैक्ट रिलीवेंट हो जाते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि डेविड ने जो जॉन को पैसे दिए वो एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि इंटेंशनली उसको फंसाने के लिए नकली रुपीस दिए गए थे। सो दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 15। नाउ सेक्शन 15 अप्लाइज टू सच टाइप ऑफ एक्ट विच वॉज ओनली पर्टिकुलर इन नेचर एंड द मोडस ऑपरेंडी वॉज ऑल्सो द सेम। तो सेक्शन 15 वही फैक्ट को अप्लाई होगा कि जहां पर पर्टिकुलरली वो चीजें एक दूसरे से मैच करती है और मोडस ऑपरेंडी जो फंसाने का है वो या वो एक्ट करने का जो तरीका है वो अगर एक जैसा है तभी सेक्शन 15 अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डेविड ने जॉन को नकली पैसे दे के फंसाया और दूसरे एक्ट में किसी और को कोई अलग एक्ट से फंसाया, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सीडेंटल या इंटेंशनल प्रूफ करने के लिए रिलीवेंट नहीं होंगे क्योंकि दोनों सेम नहीं है। रिलीवेंट कब होंगे? जॉन को उसने नकली नोट दिया था, उसके पहले पिंटू को, पीटर को, टेलर को नकली नोट दिया, तो ये सब रिलीवेंट हो रहे हैं इसलिए कि मोडस ऑपरेंडी सेम है, एक्ट करने का तरीका, फंसाने का तरीका सेम है, इसलिए वो रिलीवेंट हो गए, अदरवाइज नॉट। सो मर्डर ऑफ हर चाइल्ड, सो ये जो इस लेडी पे चार्जेस थे कि उसने अपने चाइल्ड का मर्डर किया जहर देकर, सो हर डिफेंस वॉज दैट द डेथ वॉज द रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन उसका डिफेंस ये था कि जो डेथ है वो एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल जहर नहीं दिया गया उसको। अदर फैक्ट वॉज दैट टू अदर चिल्ड्रन ऑफ हर डाइड इन हर हाउस फ्रॉम द सेम पॉइजन वॉज हेल्ड एडमिसिबल, कि इसके पहले भी दो उसके बच्चे मरे थे और वैसे ही पॉइजन से उनकी डेथ हुई थी। तो ये सब रिलीवेंट हो जाएंगे दोनों भी, क्या प्रूफ करने के लिए कि जो एक्ट था वो एक्सीडेंटल नहीं था बल्कि इंटेंशनली उसने अपने बच्चे को पॉइजन दिया, ये प्रूफ करने के लिए रिलीवेंट होंगे ये फैक्ट। अब सेक्शन 15 पे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन है, फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल इज मेंशन अंडर सेक्शन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 12, 15, 14 एंड 13। सो सेक्शन 15 एक्सीडेंटल और इंटेंशनल एक्ट है या नहीं है ये प्रूफ करने के लिए सेक्शन 15 में फैक्ट प्रूफ किए जा सकते हैं। नाउ सेक्शन 16 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलीवेंट, कि कोर्स ऑफ बिजनेस कब रिलीवेंट होगा, कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज अ रिलीवेंट फैक्ट। ये कोई एक्ट एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है या नहीं है ये प्रूफ करने के लिए, जो भी फैक्ट होंगे वो प्रूफ करने के लिए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये फैक्ट हुआ, all fact becomes relevant. The example is that the question is whether a particular letter reached to John. Example है कि ये जो letter है वो John तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब ऐसा हुआ कि the fact that it was posted in due course, fact ये हुआ कि ये भी fact है कि वो due course में post किया गया post box में, then and was not returned through the dead letter office are relevant. और वो post box में डाला गया और डेड ऑफ लेटर ऑफिस से वो वापस भी नहीं आया, तो ये दोनों फैक्ट कि वो पोस्ट ऑफिस में डाला गया और वो डेड लेटर ऑफिस से आया भी नहीं वापस, ये दोनों फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाएंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो जो लेटर है वो जॉन तक पहुंचा। सो ऑल दिस, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है कि जो भी लेटर अगर पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा वो लेटर एक तो उस पर्सन तक पहुंचाया जाएगा जिसका एड्रेस उसमें मेंशन किया गया है, अगर वो पर्सन नहीं मिला तो वापस से उस पर्सन को रिटर्न किया जाएगा जिसने वो लेटर भेजा है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, स्पेशल ट्रीटमेंट तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये दोनों फैक्ट रिलीवेंट हो जाएंगे कि वो पोस्ट बॉक्स में डाला गया था और वो डेड ऑफिस से वापस भी नहीं आया, बोथ द फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट टू प्रूव द कोर्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर गुड्स रीच टू जॉन, कि वो पर्टिकुलर गुड्स जॉन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। द ट्रांजेक्शन वॉज ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमको पता है कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत सारे करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से हम कोई चीजें मंगाते हैं, तो इसमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही अप्लाई होता है। तो ट्रांजेक्शन वॉज ऑनलाइन। अब यहां पर स्टेप वन था मैसेज वॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, कि अगर कोई पर्सन ऑर्डर करता है ऑनलाइन तो उसको मैसेज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, कि योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली प्लेस्ड का एक मैसेज आता है, तो दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 16। देन मैसेज ऑफ ऑर्डर रेडी फॉर शिपमेंट, दूसरा मैसेज आता है कि योर ऑर्डर इज रेडी फॉर शिपमेंट, कि आपका शिपमेंट के लिए, आपके भेजने के लिए आपका ऑर्डर तैयार है, दैट इज ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 16।
देन थर्ड वन इज मैसेज ऑफ प्रोडक्ट शिप्ड, कि आपका जो ऑर्डर है वो शिप हो चुका है ये कुरियर से, दैट इज बिकम्स रिलीवेंट, एंड मैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इज आउट फॉर डिलीवरी, और आपका प्रोडक्ट आउट फॉर डिलीवरी है, आपको डिलीवर होने के लिए आउट हो चुका है, दैट इज ऑल दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट टू प्रूव द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि ये कि जॉन को वो गुड्स पहुंचे है ये प्रूव करने के लिए चारों स्टेप रिलीवेंट हो जाएंगे सेक्शन 16 में. ऑल स्टेप्स आर रिलीवेंट अंडर दिस सेक्शन. तो प्रॉबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 16 पे, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, व्हाट फैक्ट्स आर रिलीवेंट टू प्रूव दिस फैक्ट. तो यहां पर है द फैक्ट दैट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, इट वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेट ऑफ हिज लेटर. बोथ ऑफ द अबो आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ द अबो आर इनकरेक्ट. तो यहां पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स बिकम्स रिलीवेंट एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस, दिस टू फैक्ट्स बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबो आर करेक्ट. सो दीज आर द पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 15 एंड 16 विच वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.